नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस 95-98 पैसे के पेनी स्टॉक के बारे में। डेफिनेट चाहो तो स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो स्टडी पर्पज़ से, और ये स्टॉक यहाँ से आपको काफ़ी डिसेंट रिटर्न दे सकता है, मतलब पैसा 2x कर सकता है। लेकिन देखो, गारंटी किसी बात की नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ काम करती है, वो आपका क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको यही चीज़ अप्लीकेबल आने वाली है। ठीक है, और यही चीज़ आपको अप्लाई करना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि आप किसी स्टॉक में 1 लाख 2 लाख डाल दो, अच्छी बार डालो, लेकिन ध्यान रखना उनके पास प्लान बी रहता है हमेशा। ठीक है, पैनी स्टॉक में वो प्लान बी नहीं है, क्योंकि पैनी स्टॉक में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको छोड़ना होता है, समझ गए। हाँ, आप अगर बड़े स्टॉक में पैसा डालते हो, टाटा मोटर्स, रिलायंस, उसमें आप बड़ा पैसा डाल सकते हो। साथ में अभी हमारे पास एक प्लान बी है, जो मैंने आपको अपनी प्राइवेट क्लास नंबर 50 में बताया था, और लगातार उसके बारे में मैंने आपको अवगत करवाया है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है उस प्लान बी के बारे में, आप मैसेज कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पर, जो आईडी है वी आर स्टॉक करके। ठीक है, तो ये काम प्लीज़ करना, और इसके लिए करने के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मैसेज लेके चल रहा हूँ स्टॉक के नाम की तरफ, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, अभी ये स्टॉक का भाई 97 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा, 97 पैसे। और 1 मंथ में स्टॉक ने देखो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 6 मंथ में स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, 1 ईयर में आप देख सकते हो लगातार नीचे गिर रहा है। मैक्स चार्ट अगर बात करते हैं, 5 सालों में स्टॉक ने 7% रिटर्न दिया है। ठीक है, अगर इसका मैक्स चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जब से स्टॉक का IPO आया है, मतलब 2020 से, ये स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है, और अभी सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, 90 पैसे के आसपास। इट मीन्स जो अभी स्टॉक का प्राइस चला 90 पैसे या 95 पैसे, ये स्टॉक का सपोर्ट एरिया, डेफिनेटली यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। जो स्टॉक का हाई है 2 रुपये 26 पैसे, ये डेफिनेटली एक बार रिटेस्ट करेगा, और अगर ये इसको तोड़ देता है 2.5 रुपये के आसपास को, तो डेफिनेटली वी कैन सी अ बिग मूव। अब उसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसको ये मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में यू पैटर्न। तो ये एक यू पैटर्न बनाया गया, ये जो रेंज होगी यहाँ पर भी ये बेस बना रहा है, अभी थोड़ा और समय बिता सकता है, 1 महीने, उसके बाद ही ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जो ये रेंज बनी है पूरी, इसी रेंज का आप 1:1, मतलब 2 रुपये के ऊपर इस रेंज को जोड़ दो तो 5 से 7 रुपये के टारगेट स्टॉक के निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर यू पैटर्न। मैं बेसिकली उसको यू पैटर्न बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, समझ आ गया आपको कि स्टॉक क्यों पसंद आ रहा है। अब कंपनी का आप P&L देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, वो इतने काम नहीं करते हैं। हाँ, स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक लग रही है, हिडन प्रमोटर्स मैं बोलता हूँ उनको, उनकी होल्डिंग स्टॉक में ठीक ठाक है, स्टॉक में वॉल्यूम भी हो जाता है। और ध्यान रखना, ये वो स्टॉक है जो पहले पास्ट में बहुत कम स्टॉक में ट्रेडिंग होती थी, मतलब ट्रेडिंग स्टॉक में वंस इन अ वीक होती थी, सप्ताह में एक बार ट्रेडिंग होती थी, लेकिन आज की डेट में स्टॉक में रोजाना ट्रेडिंग हो रही है, डेली ट्रेडिंग स्टॉक में स्टार्ट हो चुकी है, आप स्टॉक को डेली बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है बहुत सारे स्टॉक्स में 1 वीक में एक बार ट्रेडिंग होती है, तो बहुत लोग बोलते हैं घटिया स्टॉक है, घटिया स्टॉक नहीं है मेरे भाई, बाद में फ्यूचर में 2-3 साल के बाद स्टॉक्स में डेली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये रियल एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, आप स्टॉक का नाम आप जाना चाहते हो तो स्टॉक का नाम भी आप देखो, ये रहा अमराइस बायोसाइंस लिमिटेड, तो मात्र 95-90 पैसे का स्टॉक है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैनेज फॉलो कर लेना, उसके बेसिस में आप तय करना कि आपको कितना अमाउंट डालना है। अगर नहीं आता वो सब चीज़ें करना, तो आपकी मंथली इनकम जो है 2% हिस्सा उसका इन्वेस्ट करो सीधा पेनी स्टॉक में। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो तो उसका 2% हिस्सा होता है 200 रुपये, अगर 1 लाख कमाते हो तो उसका हिस्सा होता है 2% 2,000 रुपये। आप बोले कि सर ये 2% के रूल को मैं कब बढ़ा सकता हूँ, हाँ आप इस रूल को बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके। ठीक है, 2 को आप 3 करो, फिर 3 को 4 करो, 4 को 5 करो, जब करो जब आपको 2 से 3 पेनी स्टॉक्स में मोर देन 100% या 200% या 500% का रिटर्न आ रहा हो, 2 से 3 कम से कम 3 स्टॉक्स तो मान के चलो। अगर अभी तक किसी स्टॉक में ऐसा नहीं आया है, मत डालना। ठीक है भाई, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।